अब्बास अंसारी को सतारा हत्या का डर, जेल में जहर देकर मार डालने का डर। अब्बास के मुताबिक उनके पिता मुख्तार अंसारी की तरह उनके खिलाफ भी साजिश रची जा रही है। उनके विरोधी कासगंज जेल में प्रशासन के साथ मिलकर उन्हें जहर देकर मार सकते हैं, और वो लगा रहे हैं सुरक्षा की गुहार। एक केस के सिलसिले में गाजीपुर सीजीएम कोर्ट में वर्चुअल पेशी के दौरान अब्बास ने सुरक्षा की मांग की, तो वहीं मुख्तार के करीबी अफरोज उर्फ चुन्नू को भी अपनी जान की चिंता सता रही है। अफरोज का कहना है कि उसने चट्टी कांड में माफिया ब्रिजेश सिंह के खिलाफ गवाही दी थी, जिसके बाद ब्रिजेश सिंह उसे अपना दुश्मन मानता है, ऐसे में उसकी जान को खतरा है। अब्बास की गुहार सुनते ही कोर्ट ने कासगंज जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि वो कैमरे की निगरानी में अब्बास अंसारी के खाने की जांच कराए, उसकी हर एक्टिविटी पर सीसीटीवी के जरिए नजर रखे और अब्बास की सुरक्षा का पूरा प्रबंध करे। अब्बास अंसारी इन दिनों गाजीपुर जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी को उसके पिता मुख्तार अंसारी की मौत के बाद फतिहा पढ़ने के लिए 3 दिन की जमानत मिली थी। 3 दिन की अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद अब्बास को कासगंज जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। बता दें कि अब्बास के पिता माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने भी उसे जेल में जहर दिए जाने का आरोप लगाया था। मुख्तार ने बकायदा लेटर लिखा था और आरोप लगाया था कि जेल में उसकी जान को खतरा है और उसे जहर दिया जा रहा है। बांदा जेल में बंद रहे मुख्तार अंसारी को अचानक जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया था। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।